अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी तो आप मुझे आज देख रहे हैं फिर सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में, क्योंकि मेरी जॉब भी सिक्योरिटी की है। आज मैं आया हूँ एक नाइट शिफ्ट पे। मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा सा इस बारे में अपना व्लॉग बना के थोड़ा सा इस सिक्योरिटी के शिफ्ट के बारे में गाइड कर दूँ। तो ये है बेसिकली, मैं आज एक पार्क में आया हूँ। ये मेरे घर से तकरीबन वन एंड हाफ आवर के डिस्टेंस पे था पार्क, जहाँ पे एक फेस्टिवल है। तो इधर मुझे आज नाइट की शिफ्ट मिली थी। तो इधर ना सुबह के टाइम एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है। तो ये यूके में जगह जगह पर हर पार्क में छोटे छोटे फेस्टिवल हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये एक पार्क था जहाँ मुझे शिफ्ट मिली। यहाँ भी एक फेस्टिवल हो रहा है, तो मुझे ये नाइट शिफ्ट मिली थी 12 आवर की, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक। तो मैंने सोचा चलें कर लेते हैं, तो मैं आज आया हूँ इधर। बहुत ही कंफर्टेबल ये शिफ्ट है, आराम से सिर्फ बैठना ही है। मुझे जो पोजीशन मिली है वो मेरे पास थोड़ी सी मशीनरी वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, तो जहाँ मैंने बस घंटे बाद एक पेट्रोल थोड़ा सा करना है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं रेडियो है, तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को बता देना कि ऑल इज़ ओके, कि कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री था, मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो जैसे जैसे अभी मैं उधर मैं अपनी पोजीशन पे जाऊंगा, मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा, और जहाँ मैं पेट्रोल करना है वो भी एरिया में दिखाऊंगा, और बाकी भी मैं एरिया का आपको विज़िट करवाऊंगा। ब्रेक होगी, कैफ़े जो है इधर रेस्ट एरिया है ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, तो उधर का भी मैं विज़िट करवाऊंगा, और जो खाने पीने का इधर अरेंजमेंट है हमारे लिए वो भी मैं आपको सारा दिखाऊँगा। तो अभी मैं चलूँगा अपनी पोजीशन पर, और इंशाल्लाह मिलते हैं जाके पोजीशन पर। जी तो दोस्तों, मैं अपनी पोजीशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है इधर, तो मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ आपको यकीनन। तो मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। ये गाड़ी पे मेरी ये पोजीशन है, ये गाड़ी है इधर। ये देखे जैसा कि मैंने कुछ सामान भी खाने पीने का रखा हुआ है, ये वाटर है, कुछ टीन पैक है, और लेज़ और चॉकलेट वगैरह मैंने इधर रखी हुई हैं, क्योंकि हमें कैफ़े से मिल गई थी कि आपने जो लेना ले लो, और पोजीशन पर जाके खाते पीते रहना। और ये मेरा थोड़ा सा एरिया है, जैसा कि ये गाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं, सिर्फ इसको मैंने विज़िट करना है ये हर घंटे के बाद, सिर्फ वो सामने तक, ये जो ये ब्लू से चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर तक, ये मेरा थोड़ा सा एरिया है, इधर से मैंने विज़िट करके। और ये वायरलेस रेडियो मुझे मिला हुआ है, तो सुपरवाइज़र को सिर्फ बता देना है ऑल इज़ ओके, किसी किस्म का इधर मसला नहीं है। तो ये जैसा कि ये स्टेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इधर फेस्टिवल हो रहा है, ये स्टेज बना हुआ है, ये मैं स्टेज की बैक साइड पे, और ये कुछ ये बैठने की जगह है कुछ, और कुछ खाने पीने के ये स्टॉल है, और ये दूसरी साइड भी वो जैसा कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी हैं, कुछ बच्चों के झूले लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह सुबह होगी तो मैं सुबह आपको ये सारा मैं व्यू दिखाऊँगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा डर भी है सुपरवाइज़र का कि कहीं मुझे देख ना ले वीडियो बनाते हुए, क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा रात का व्यू है, ये जैसा कि ये देखें टेंट लगे हुए हैं, तो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वो सामने तक, वो आगे तक इसी तरह ही है, वो काफ़ी दूर तक ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी तो दोस्तों, ये मैं पेट्रोल करने के लिए आ गया हूँ। ये मेरा थोड़ा सा एरिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैं जहाँ मेरी पोजीशन है उधर ये थोड़ा सा एरिया है, ये जहाँ पे थोड़ी सी मशीनरी वगैरह और ये थोड़ी सी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, सिर्फ कोई 2 मिनट का एरिया जो मैंने ये विज़िट करना है बस। और इसके साथ ही ये जो मुझे वायरलेस रेडियो मिला हुआ है, तो इसमें मैंने अपने सुपरवाइज़र को सिर्फ बता देना कि ऑल इज़ ओके, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है इधर। ये मुझे एक टॉर्च मिली हुई है, ये एक पार्क है ना, तो ये बाउंड्री लाइन उन्होंने बनाई हुई है, तो इसके साथ ही बस साथ ये बाउंड्री लाइन के साथ हमने विज़िट करना है, कि कोई मसला वगैरह तो नहीं, कोई बाइट से अंदर तो नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो ये वायरलेस में। अभी मैं
अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे फील हुआ कि कोई गड़बड़ है, तो मैं सिर्फ वाइटलेस में अपने सुपरवाइज़र को बता दूंगा कि इधर कोई इस तरह का कोई इशू है जी। तो दोस्तों मैं ये अभी पेट्रोल कंप्लीट किया, तो मैं अभी अब अपने सुपरवाइज़र को बताऊंगा रेडियो, वायरलेस रेडियो में, कि ऑल इज़ ओके, ये मेरा रेडियो है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी बताते हैं सुपरवाइज़र को और उसका देखते हैं जवाब क्या आता है। हेलो सर, कंप्लीट द पेट्रोल इन मशीन एरिया, ऑल इज़ ओके। जी तो मैंने बता दिया अपने सुपरवाइज़र को, जी उसका मैसेज आ गया कि रिसीव, मतलब के ओके। तो अभी चलते हैं वापस अपनी पोजीशन पे। जी तो दोस्तों मुझे ब्रेक हुई है, अभी मैं इधर आया था, घूम फिर रहा था। एक ये मैं आपको दिखाता चलूँ, एक ये है रेस्ट एरिया, ये सिक्योरिटी वालों के लिए, इधर ड्रिंक्स वगैरह और चाय कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। अभी इधर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये सुबह के लिए है। अभी मैं दूसरे साइड पे जाऊंगा जहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, वहाँ भी मैं वहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं दूसरे ये रेस्ट एरिया में, उधर देखते हैं क्या क्या है। जी तो दोस्तों मैं ये दूसरे रेस्ट एरिया में आया हूँ जहाँ मेरी ब्रेक है। इधर मैं अभी वेट करूँगा, हाफ आवर की ब्रेक है मेरी। ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर एक इधर भी हैं, इधर इनकी ड्यूटी है, और ये साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि इधर वो क्रिप्स वगैरह, लेज वगैरह, इस तरह की चीज़ें, और वो फ्रिज में ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह। और ये सामने ये इधर आप चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। और अभी मैं इधर से कुछ लूँगा खाऊँगा जब तक मेरी ब्रेक है। जी तो दोस्तों मैं अभी ये कुछ खाने के लिए ले आया हूँ, जैसा कि ये मेरे सामने एक मैं ये क्रिप्स का पैकेट और एक चॉकलेट और एक ये फ्रूट योगर्ट ले आया हूँ, ये अभी मैं खाऊँगा। और खाते खाते मेरा टाइम गुजर जाना है, आधे घंटे की ब्रेक है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन पे जाऊँगा उधर। चलें जी अभी हम ये खाते हैं अपना, ये डिनर करते हैं, ये हमारा डिनर ही है डिनर करते हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन पे जाएंगे और फिर उधर आपसे मुलाकात होगी। जी तो दोस्तों मैं ब्रेक से वापस आ चुका हूँ, तो अभी मैं पोजीशन पे आ गया हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट कम है, तो इसलिए मैं आपको सही से नज़र नहीं आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये मेरी पोजीशन है, तो ये सामने ये गाड़ी पे मेरी पोजीशन है, ये साथ ही मैंने आपको बताया भाई ये सारा एरिया मैं कवर कर रहा हूँ। ये कुछ मैं खाने पीने की चीज़ें भी ले आया था, जैसा कि ये देखें चॉकलेट्स और लेज वगैरह, ये सारा कुछ मैं ले आया था। ये पानी है और कुछ टीन पैक है, कि आराम से इधर बैठ के खाते रहेंगे, जब फ्री का मिल रहा हो तो कौन छोड़ता है, सीधी सी बात है, फ्री की सारी चीज़ें हैं, जितनी मर्जी खाओ ले आओ। तो जी तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं आज नाइट शिफ्ट पे आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्क में कोई फेस्टिवल है, उधर मेरी शिफ्ट है। तो अभी रात के 3 बज चुके हैं, अभी मैं वैसे ही थोड़ी सी वॉक कर रहा था, मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा बहुत गाइड सिक्योरिटी के बारे में मैं कर दूँ। अभी रात के 3 बज चुके हैं, जैसा कि थोड़ी सी सर्दी भी होगी, आप देख ही रहे होंगे कि मैंने जैकेट भी पहन लिया है, तो काफ़ी सर्दी हो गई है, तो हवा भी हल्की हल्की चल रही है। तो साथ ही मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी के बारे में गाइड करूं, इस तरह की शिफ्ट कैसे हासिल करते हैं, और इसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आज ये इधर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठना ही है, और ये स्टैटिक साइट है एक, तो इसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह की शिफ्ट अगर आपको परमानेंट मिलती रहे, तो आप बहुत अच्छा इधर सिक्योरिटी का अर्न कर सकते हैं। तो आज की शिफ्ट हासिल मैंने किस तरह की है, मैं आपको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूँ। ये मैं कंपनी के साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, ये
जिन्होंने मुझे ये आज की शिफ्ट दी है। मैं फिल वक्त इधर लंदन में काफ़ी कोई 6-7 कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हूँ, जिनकी तरफ से मुझे शिफ्ट मिलती रहती हैं। और कभी मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जैसा क्रिकेट मैचेस, रग्बी के मैच और फुटबॉल के मैचेस इन स्टेडियम्स वगैरह में मिलती रहती है, कभी मुझे कंसर्ट वगैरह पे मिलती हैं, कभी मुझे इस तरह की जगहों पे पार्क वगैरह भी मिल जाती है, कभी ऑफिसेज वगैरह में भी मिलती हैं। और डिफरेंट जगह पे ये कंपनियां भेजती हैं आपको और अच्छा पे करती हैं। और अगर आप भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मेरे से आपको चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो मुझे कोई भी आपको सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं ये सिक्योरिटी कंपनीज़ के आपके साथ नंबर भी शेयर करूँगा, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं उनको नंबर भी शेयर करूँगा सिक्योरिटी के कंपनीज़ के, और मैं उनको गाइड भी करूँगा कि आप भी किस तरह उनके साथ लिंक हो के रजिस्टर्ड हो के आप ये सिक्योरिटी की शिफ्ट हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, सुबह के तकरीबन 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी रोशनी हो चुकी है, हल्का हल्का सूरज निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लें और दोस्तों से बात कर ली जाए, थोड़ा सा मैं उन्हें व्यू दिखा दूं सुबह मॉर्निंग का। ये देखें ये काफ़ी बड़ा पार्क है, ये पिछली साइड पे भी काफ़ी ये दरख्त हैं और ये परिंदों की आवाज़ें इतनी प्यारी प्यारी आ रही हैं। जी तो दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको व्यू दिखाऊंगा स्टेज का और स्टेज से सामने का जो इधर फेस्टिवल हो रहा है, तो मैं अभी स्टेज पे आया हूँ, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये स्टेज है जहाँ पे सिंगर वगैरह और परफॉर्मेंस होती है। ये देखें और ये फ्रंट का व्यू है जो इंतहाई खूबसूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अब तो अच्छी भली काफ़ी सुबह हो चुकी है, तकरीबन 7:20 हो चुके हैं, 10 मिनट रह गया मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पार्क में आज मैंने नाइट शिफ्ट की है, ये मेरी पोजीशन थी, ये मुझे गाड़ी मिली हुई थी तो इधर ही मैंने सारी रात गुजारी है 7:30 से 7:30 तक। जी तो दोस्तों, शिफ्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं अब जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये पीछे मेरे बाकी साथी भी हैं, ये भी हैं, ये भाई ने भी आज ही किया मेरे साथ और वो एक फीमेल है। तो अभी हमारी शिफ्ट ख़त्म हुई है तो अब जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो 12 घंटे की, जैसा कि आपको पता था, मैंने बताया हुआ था शिफ्ट थी 7:30 हो चुके हैं, बल्कि 5-10 मिनट ऊपर ही हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिक्योरिटी की शिफ्ट्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर किसी ने मेरे से इन कंपनीज़ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो, मैं 5-6 कंपनीज़ के साथ रजिस्टर्ड हूँ जो मुझे ये लंदन में सिक्योरिटी के डिफरेंट स्टेडियम में डिफरेंट प्लेसेस में फेस्टिवल वगैरह पे शिफ्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, सारा गाइड करूंगा, कंपनी का रेफरेंस नंबर भी दूंगा। और जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा, मेरा जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है,
आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो अब मैं आपको करूँगा बस खुदा हाफिज़, और जाते जाते मैं फिर कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह किसी नए इवेंट पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।